नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 5 मार्च 2022 वार शनिवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम आप अवश्य लिखें। आइए, पंचांग शुरू करने से पहले हम जानते हैं आज के दिन किन देवी देवताओं की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद रहेगी। आज भगवान शिव की पूजा और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप अत्यंत शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पंचांग की। वार शनिवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह फाल्गुन माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया तिथि। नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र रहने वाला है। योग शुक्ल योग, करण तैतिल करण जो कि सुबह 8:35 तक रहेगा, उसके बाद गर करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित सभी गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 6:46, सूर्यास्त शाम 6:19, सूर्यदेव कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 8:22, चंद्रास्त रात 9:02। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्र राशि जो है वो मीन राशि रहने वाली है, और मीन राशि के जो स्वामी हैं वे देवगुरु बृहस्पति हैं। आइए अब हम बात करेंगे आज के शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 5:09 से सुबह 5:57, अपने इष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, मंत्र सिद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त अच्छा माना गया है। बात करें अभिजित मुहूर्त की, अगर कोई भी आप शुभ कार्य शुरू करना चाह रहे हैं और शुभ चौघड़ियों में शुभ लग्न आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने उस शुभ कार्य को अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। आज के दिन अभिजित मुहूर्त जो है दोपहर 12:09 से दोपहर 12:55 तक रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिन के चौघड़िया की। शुरुआत करते हैं हम सूर्योदय से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर काल का चौघड़िया। सुबह 6:46 से सुबह 8:12 काल का चौघड़िया अशुभ चौघड़िया है। काल के बाद शुभ 8:12 से 9:39 शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 9:39 से 11:05, रोग का चौघड़िया अशुभ चौघड़िया माना गया है। रोग के बाद उद्वेग 11:05 से 12:32, इसे भी अशुभ का चौघड़िया माना गया है। रोग और उद्वेग में हमें कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। उद्वेग के बाद बात करते हैं चर। दोपहर 12:32 से 1:59 चर का चौघड़िया सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 1:59 से लेकर 3:25, लाभ का चौघड़िया शुभ समय माना गया है, अच्छा समय माना गया है। लाभ के बाद अमृत 3:25 से 4:52, अमृत का चौघड़िया भी शुभ समय माना गया है। अमृत के बाद काल 4:52 से लेकर शाम 6:19, काल का चौघड़िया शुभ चौघड़िया माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गुलिक काल। इन दोनों समय में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी शुभ कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, अच्छा कार्य शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी आपको राहु काल में शुरुआत नहीं करनी चाहिए। राहु काल की बात करें तो सुबह 9:30 से सुबह 11 बजे तक रहने वाला है। गुलिक काल सुबह 6:30 से और सुबह 8 बजे तक रहने वाला है। आइए अब हम बात करेंगे दिशाशूल, यानी आज के दिन किस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। फिर भी अगर जातक पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य कर ले ताकि यात्रा के शुभ फल प्राप्त हो। यानी आज के दिन यात्रा से पहले उड़द से बने हुए पदार्थों का सेवन अवश्य करें। आइए बात करें चंद्रबल, यानी आज कौन कौन सी राशियां शुभ रहने वाली हैं। तो वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां आज शुभ राशियां रहने वाली हैं। आइए बात करें आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके जन्म राशि, नामाक्षर और जन्म पाएगी। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी मीन राशि, नामाक्षर रहेंगे दे, दो, चा और ची। जन्म पाए की बात करें तो इनका सभी का स्वर्ण का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।